आज से तुम यहीं रहोगे और तुम्हारी ड्यूटी मालकिन लैला सबा के साथ हो। वो जब भी घर से बाहर जाएंगी तुम उनके साथ जाओ। जी बेहतर। और ये सुनने में आसान है काम, लेकिन इतना आसान है नहीं। हमारे दुश्मन हमारी ताक में, जी मैं हर लम्हा उनके साथ रहूंगा। हम चाहते तो ये काम किसी और भी वफादार को दे सकते, लेकिन हमारे दुश्मन हम सबको पहचानते हैं। तुम नए हो, उन पर किसी को शक भी नहीं होगा, इसलिए मालकिन के साथ रहना होगा और चारों तरफ नजर रखनी होगी। जी समझ गया, बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक बार फिर सोच लो, अगर हमारे दुश्मनों ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरे होते हुए मेरी जान तो जा सकती है, मालकिन को एक आंच भी नहीं आने दूंगा। शाबाश, यही उम्मीद थी तुमसे। और हाँ सुनो, वो कहाँ जाती हैं, किस किस से मिलती हैं, सारी रिपोर्ट चाहिए है मुझे, और इस बात का इल्म उन्हें नहीं होना चाहिए। जी मालिक। ये तुम्हारा कमरा, जरूरत की सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। शाम को तुम्हारे नए कपड़े तुम्हें पहुंचा दिए जाएंगे। उन मेरे कपड़े जानू के फ्लैट में रह गए हैं, मैं मंगवा लूंगा। नहीं, तुम्हें मालकिन के साथ अंदर बाहर जाना है, ढंग के कपड़े पहनोगे, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जितनी कम मुलाकात हो उतना ही अच्छा। एक और मुलाकात तो जानू से करनी पड़ेगी, वरना वो मजीद उलझने पैदा करेगा मेरे जाने के डर से। ठीक है, आज तो चले जाओ, लेकिन उसे अच्छी तरह समझा देना कि आइंदा मुलाकात कम ही होगी। पीछे इंटरकॉम है, उससे तुम्हें इतला कर दी जाएगी मालकिन की मूवमेंट्स की। आधा घंटा पहले गाड़ी के पास ड्राइवर के साथ तैयार होके खड़े रहना। जी बेहतर।